हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। वी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और मेरे पास दो मूवीज़ हैं जिसके टीजर्स रिलीज हुए हैं। एक तो है कल्कि और उसके अंदर अश्वत्थामा साहब यानी कि अमिताभ बच्चन क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं आईपीएल के साथ, वो देखेंगे। और हरिहरा वीरामल्लू जो पवन कल्याण की मूवी है, ये हिंदी के अंदर पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली है और कहीं ना कहीं मुगलों के अत्याचारों के बारे में बात करने वाली है। ऑथेंटिसिटी कितनी है वो तो बाद में बात करेंगे। पोस्टर अच्छा लग रहा है और इसके अंदर जो देखने वाली बात है कि ये एक अकेला इंसान मुगलों की पूरी सल्तनत से कैसे लड़ जाएगा। वैसे अभी तक हमें यही पता था कि हम कोई लड़ पाया नहीं था ज़्यादा। और दूसरा किस तरीके से बॉबी देओल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर और उसका क्या रोल है इसके अंदर। तो पहले हरी हरा मल्लू ही देख लेते हैं, ठीक है? हिंदी के अंदर चला रहा हूँ मैं। बाहुबली टाइप फॉन्ट स्टाइलिंग है। अच्छा, बॉबी देओल। अच्छा, बाल कटे हुए हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है वो। किसको भेजेगा, सबको पता है। गेटअप तो सूट नहीं कर रही है इनके ऊपर। अच्छा, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, हेयर स्टाइल अच्छा है जो कि बोल पवन कल्याण का इस मूवी के अंदर, बेटर देन प्रीवियस मूवीज। अच्छा, ये पार्ट वन है, स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। बहुत ही बढ़िया है। धर्म युद्ध। अच्छा, धर्म की बात हो रही है, ये इलेक्शन कैंपेन ज़्यादा लग रहा है मुझे। एनीवेज़, ठीक ठाक सा टीज़र है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगा। जो पवन कल्याण के फैंस हैं वो बौखलाने वाले हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है ये देख के, बट ओवरऑल बेसिस पे ओके ही है। अब कल्कि का जो नया अमिताभ बच्चन का टीज़र आया उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो टीज़र है ये आईपीएल टीज़र इसको बोला जा रहा है, प्ले करके देखते हैं। मिक्स हो गए दो दुनिया। अच्छा, शायद ये मूवी में सेम चीज प्रभास को बोलने वाले होंगे अमिताभ बच्चन साहब। इंटरेस्टिंग तो है, देखो। दोनों के कॉन्सेप्ट तो मैच कर रहे हैं एटलीस्ट। और लुक अच्छी लग रही है अमिताभ बच्चन की कल्कि में। कल्कि का अभी तक जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, विच इज़ गुड। वेरी गुड। दोनों में से मैं बोलूँगा कि ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि कैसे मूवी का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट किया गया आईपीएल के अंदर, तो अच्छा इंटरेस्टिंग टेक है। वीरा मल्लू से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है वो लग रहा है बॉबी देओल का। अगेन, मे बी ही विल स्टील द लाइमलाइट। लेट्स सी, बाकी जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।